के वो शामिल हुए हैं और इसमें अहम फैसले लिए गए हैं। इस मीटिंग के अंदर सबसे पहले तो हम बहुत शदीद मुजम्मत करना चाहते हैं शुएब शेख साहब की गिरफ्तारी की। आज जिस तरीके से पहले ARY को बंद किया गया, अब शुएब शेख को अरेस्ट किया गया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त आजाद मीडिया की सिचुएशन क्या है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहाफियों का और आजादी सहाफत का इस वक्त पाकिस्तान में कोई पुरसाने हाल नहीं है। और हमने इस मीटिंग में इस गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। उससे पहले जो हमारे कारकुन बिलाल, जिनको जेल भी कहा जाता था और बागी भी कहा जाता था, उनकी जो शहादत हुई कल, उसके ऊपर फातिहा की दुआ की गई और हम ये मुतालबा करते हैं कि इस शहादत के, इस कत्ल के, जिस तरीके से इस एक अंदोनाक वाक्य को जन्म दिया गया, उसकी बराह रास्त जिम्मेदारी तीन लोगों के ऊपर है, यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब जो मोहसिन नकवी, IG पंजाब, एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब और CCPO लाहौर, ये चार लोग इस जुर्म में सीधे सीधे शरीक हैं। और हम ये मुतालबा करती है तहरीक इंसाफ के इन चार लोगों के खिलाफ FIR काटी जाए। जिस तरीके से ये जो शहादत हुई है, तहरीक इंसाफ ना इसको भूलेगी ना इसको भूलने देगी। और ये जो चार लोग हैं इनके ऊपर इस कत्ल का मुकदमा होगा और इंशाल्लाह ताला ये जो खून है ये नाहक नहीं जाएगा। तहरीक इंसाफ आज रात से पूरे पाकिस्तान से जो हमारी लीडरशिप है, कारकुनान नहीं, लीडरशिप जो है वो आज से यहां पे लाहौर में उनकी आमद शुरू हो जाएगी। जो बिलाल शहीद से अपने इजहारे यकजहती के लिए यहां जमा हो रहे हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जिन कारकुनान को जख्मी किया गया उनसे इजहारे यकजहती के लिए यहां जमा हो रहे हैं, और पाकिस्तान के कायद, तरीके इंसाफ के कायद, अवाम की आजादी का इस्तारा इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए यहां पे जमा होंगे। और ये जो हमारा इज्तमा है ये इंशाल्लाह ताला ये इस बात की गमाजी करेगा कि पूरी तरीके इंसाफ अपने कारकुनों के साथ, अपने शहदा के साथ खड़ी है। और जब तक ये इंसाफ नहीं होता, तरीके इंसाफ की जो क्यादत है वो इंशाल्लाह ये एहतजाज जारी रखेगी। आज हमारी मुलाकात चीफ इलेक्शन, आज हमारे वफद की मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। हमने इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया भी अदा किया है, जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन का तमाम तर दबाव मुस्तरद करते हुए आईन के मुताबिक आगे बढ़े हैं इलेक्शन करवाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया है। पाकिस्तान में इदारे इस तरह से ही बन सकते हैं। हमारी तनकीद नॉन फंक्शनैलिटी के ऊपर है। अगर इदारे फंक्शनल होंगे तो जाहिर है कि पूरी कौम उनकी तारीफ भी करेगी। इलेक्शन कमीशन से हमने ये कहा है कि इंतखाबात ना सिर्फ होने चाहिए बल्कि शफाफ होने चाहिए और आप उसके लिए इकदामात लें। उन इकदामात में एक अहम इकदाम ये होगा के पंजाब के अंदर 22 ऑफिसर्स की जो फहरिस्त हमने इलेक्शन कमीशन को दी थी कि उन अफसरों को इलेक्शन के दौरान यहां ना लगाया जाए, उनको विड्रॉ किया जाए फौरी तौर के ऊपर पंजाब से, उनको पंजाब से वापस बुलाया जाए। और हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से दरखास्त करते हैं कि इस मामले के ऊपर गौर करें और इनको, इन अफसरान को वापस बुलाया जाए। हम इलेक्शन कमीशन को आजाद देखना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन अगर आजाद इलेक्शन कमीशन की तरफ, इदारे की तरफ कदम लेगा, हम इसको अप्रिशिएट भी करेंगे और इंशाल्लाह हम पूरी कौम जो है वो इन आईनी इकदाम के ऊपर साथ भी देगी।
जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से, उसके ऊपर भी सीनियर लीडरशिप ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। उसके ऊपर हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से रफीक तारड़ एंड कंपनी ने 1997 में सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उस तकसीम के नतीजे में गैर आइनी तौर के ऊपर काम से रोका गया, अब इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। हम अदलिया बचाओ मुहिम जो है वो अपनी शुरू कर चुके हैं, जो दफा 144 लगाई गई थी वो अब खत्म हो चुकी है और इंशाल्लाह ये तहरीक फौरी तौर के ऊपर दोबारा शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह पूरी सीनियर क़यादत अदलिया बचाओ तहरीक में अदलिया के वकीलों के साथ चलेगी। आज 3 बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन, उन्होंने खुलकर जो हुकूमती इकदामात हैं उनकी मजम्मत की है। उसके साथ 96 और बार एसोसिएशंस ने ये रेजोल्यूशंस पास की हैं और कल के वाकयात के ऊपर मजम्मत की है। हमें यह भी खुशी है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसका नोटिस लिया है और पहली बार जो दुनिया के ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं और हुकूमतें हैं वो पाकिस्तान के बारे में तशवीश का शिकार हुए हैं और इंशाल्लाह ताला वो रास्त इकदाम की तरफ भी आएंगे। हमने एक हिकमत अमली ये भी तय की है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो तरीके इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी और वो वक्त आने के ऊपर इंशाल्लाह सामने हम ले आएंगे। लेकिन हम ये समझते हैं इमरान खान के गिरफ्तार करने का मतलब पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बहरान का शिकार करना है। ये सारी एफर्ट्स पाकिस्तान को एक बड़े बहरान में ले जाने के लिए हो रही हैं। ये तमाम एफर्ट्स इसलिए हो रही हैं कि एक ऐसा माहौल पैदा हो सके कि मुल्क में इलेक्शंस ना हो सके। हम पुरमन रहे हैं, कल भी जब हमें पता चला कि अब लाहौर पुलिस स्टेट गोलियां मारेगी लोगों को, हमने रैली कॉल ऑफ कर दी और इंशाल्लाह ताला हम आईन के मुताबिक कानून के मुताबिक रहते हुए आगे चलेंगे। इलेक्शंस का बिगल बज चुका है, इस हफ्ते इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का टिकट्स का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और तमाम उम्मीदवार अपने इलेक्शंस में जाएंगे और इंशाल्लाह पंजाब में सिर्फ 54 दिन के अंदर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मुंतखब हुकूमत आएगी 2/3 मेजॉरिटी से, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ पंजाब का इलेक्शन जीतेगी। उसके साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं उनके खिलाफ हमने आज कार्रवाई शुरू कर दी है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराएगी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को उनके ओहदे से फारिग किया जाएगा। थैंक यू जी।